आज हम छोटी साइज के बैंगन का भरता बनाएंगे। हम ज़्यादातर बैंगन का भरता बनाने के लिए बड़ी साइज के बैंगन लेते हैं, लेकिन यह हमने छोटी साइज के बैंगन लिए हैं। हमने यहाँ बैंगन का भरता बनाने के लिए प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, लहसुन को भी लंबा काट लिया है। हमने यहाँ हरा धनिया, टमाटर की बनाई हुई चटनी, हरी मिर्च, राई, जीरा, प्रवीण मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, टोमेटो केचप और नमक लिया है। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने बैंगन को धोकर साफ कर लिया है। बैंगन का भरता बनाने के लिए इस तरह से बैंगन को काट लेना है। हम सारे बैंगन को ऐसे ही काट लेंगे। बैंगन को एक कढ़ाई में लेकर उसमें तेल डालेंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। जब बैंगन थोड़े गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढककर रख देंगे। हमें 5 मिनट बाद बैंगन को एक बार चेक करना है और पलट के देखना है। अब हम बैंगन को फिर से ढककर रख देंगे। जब कढ़ाई में से तड़कने की आवाज़ आएगी तब फिर से एक बार खोल के देखना है। अब हम बैंगन को चेक कर लेंगे। अब हमारे बैंगन अच्छे से पक गए हैं और इसमें का पानी भी जल गया है। हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से काट कर हम बैंगन को चेक कर लेंगे कि हमारे बैंगन अंदर से अच्छे हैं या नहीं। अब हम बैंगन को स्मैश कर लेंगे। बैंगन को अच्छे से स्मैश कर लेना है। अब हमारे बैंगन अच्छे से स्मैश हो गए हैं। हमें उसी कढ़ाई में बैंगन का भरता बनाना है, इसलिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, हम इसमें राई डालेंगे। अब हम इसमें जीरा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हमने जो टमाटर की चटनी बनाकर रखी थी वो डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हम इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, प्रवीण मसाला ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डालना है। अगर आपके पास टोमेटो की चटनी नहीं तो आप कच्चा टमाटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्मैश किया हुआ बैंगन डालेंगे। बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। सब्जी मसाला सबसे लास्ट में डालना है और इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए ढक के रखना है। दो मिनट के बाद हम इसका ढक्कन निकाल लेंगे और फिर से 1 मिनट तक गैस पर ही रख देंगे। अब हमारा बैंगन का भरता तैयार है। हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।